दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति का दो प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर क्या कर रहा है कि त्रिकोणमिति आपको दिख रहा है ऊपर जैसा लिखा हुआ। उसके बाद ये प्रश्न को करना क्या है, प्रूव करना यानी सिद्ध करना है। लिखा हुआ कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बटा लिखा है 1 minus tan²30 डिग्री बराबर से √3 है। आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि LHS बराबर से RHS है कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है कि नहीं, इसी को हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपको सबसे पहले मैं इसमें जानना ये है कि जो टाइन 30 लिखा हुआ ऊपर और नीचे इनका मान क्या होता है ये समझिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो होता है कि टाइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आपको होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो पहली चीज हमने समझ लिया कि टाइन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। दोस्तों त्रिकोणमिति का जितने भी फॉर्मूला है वो मैंने उसको ट्रिक से बता कर रखा हूँ, अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका जितने भी ट्रिक है वो 1 सेकंड के अंदर नहीं बोल सकते हैं, पर 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा वीडियो को तो आपको दिमाग में पिक्चर बन जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें जो बताया हूँ वो इमेज की तरह बनाया हूँ, करके इमेज से बताया हूँ। ठीक है ना, तो आइए पहले हम इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 लिखा हुआ तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। ठीक है ना, अब टाइन 30 का जो मान है आपके सामने लिखा हुआ था 1/, आप इसको बोल देंगे √3। बटा में लिखना आपको क्या है भाई, तो बटा में लिखना है यहाँ पर 1 है तो आपको 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख देंगे। टाइन 30 का जो मान है वो 1/√3 है, पर इसका जो है दोस्तों क्या है स्क्वायर, तो हमने इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ से इसको हम बनाते चलते हैं और इसको आप लिख सकते हैं बराबर √3 है तो नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 को एक बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा आपका √3। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इसको और ये कट गया, रूट और स्क्वायर कटता है आपको पता हो, क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया क्या 1 माइनस, में आप बोल सकते हैं कि 1/√ कितना 3, सॉरी 3 बोल सकते हैं, यानी 1 यहाँ से बच गया है और यहाँ से 1 बच गया है और बटा में कितना बच गया 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हम बोल देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको देखिए क्या हो जाएगा कि 2 बटा में ये √3 था तो 3 लिख देंगे, और यहाँ 1 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर इससे डिवाइड कर लेंगे तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2/√3 और यहाँ 3 में से 1 गया कितना बच गया 2 बच गया है और 2/3 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगली बात समझ में आ गया। ये पूरी जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है भागा में, तो जब भाग में है तो इसको हम क्या करेंगे गुना मिला देंगे। तो गुना मिलाने मतलब क्या होगा कि 2/ यहाँ पर √3 यहाँ गुना कर देंगे, 3 चले जाएगा आपको ऊपर और 2 यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ वो चलेगा नीचे में, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया है कि 3/√3। तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ कि 3/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि हर का प्रमेय करना, तो आपको लिख देता हूँ हर का प्रमेय करण से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया कि हर का प्रमेय करण से इसको लिखना है क्या कि 3/√3 गुने, अब ये जो है क्या चल जाएगा ऊपर में, तो ये ऊपर चला गया फिर यही बुला जाएगा नीचे में, आपको गुना करना है। तो देखिए 3 को इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3√ कितना 3, और जब 2 को सेम है तो इसको हम कह सकते हैं कि 3√3 का क्या स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर यहाँ स्क्वायर और ये रूट कट गया है तो आपके पास बच करके जो आ रहा है निकल करके वो 3√3 बटा में कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 3 हो गया। और दोस्तों हमको देखिए यही लाना था, तो इसको बोल सकते हैं क्या LHS बराबर है RHS है, समझ में आ गया बात को कि लेफ्ट एंड साइड जो है वो इसका मान बराबर है। तो यहाँ मैंने इसको पूरे को सोल्व किया दोस्तों और ये मैंने ला दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।